आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें यह देखेंगे कि जब एक प्रोडक्ट की एक्सटर्नल मार्केट नहीं होती तो फिर उसके लिए किस तरह से ट्रांसफर प्राइस को सेट किया जाता है तो सबसे पहले अगर ट्रांसफर प्राइसिंग की बात की जाए तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम डिटेल में सीख चुके हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में लेकिन अगर एक दफा फिर से जाने तो जब एक ही कंपनी के दो मुख्तलिफ डिविजन्स आपस में किसी गुड्स या सर्विस का ट्रांसफर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो उस गुड्स सर्विसेज की प्राइस को असाइन करने का जो अमल है जो तरीका कार है उसे हम कहते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग और जिस प्राइस पर ये चीजें ट्रांसफर की जाती हैं, उस प्राइस को कहा जाता है कि ये ट्रांसफर प्राइस है जैसे कि लेट सपोज एक कंपनी है टोन्स लिमिटेड कंपनी और ये कहा जाता है कि टोन्स लिमिटेड कंपनी के दो डिवीजन हैं एक है डिवीजन ए और दूसरा है डिवीजन बी साथ ही साथ ये कहा जाता है कि डिवीजन ए कंप्रेसर बना के बेचता है और डिवीजन बी फ्रिज बना के बेचता है अब डिवीजन ए के ये कंप्रेसर डिवीजन बी में फ्रिज में इस्तेमाल हो सकते हैं तो जब ए डिवीजन कंप्रेसर ट्रांसफर करेगा डिवीजन बी को और इस कंप्रेसर की प्राइस को सेट किया जाएगा तो इसकी प्राइस को सेट करने का जो अमल है उसे हम कहेंगे कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग है और लेट सपोज के रुपीज टेन थाउजेंड इस ट्रांसफर प्राइसिंग को इस प्राइस को सेट किया गया है तो ये रूपीज टेन थाउजेंड कंप्रेसर के लिए ट्रांसफर प्राइस बन जाएगी ऐसे ही हमने पढ़ा था कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होती है इक्वल मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 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 और मार्जिनल को हमने कहा था कि वो वेरिएबल कंसीडर किया जाता है अब यहां पे क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है एक्सटर्नल मार्केट नहीं है तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जीरो होगी तो अल्टीमेटली मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अगर एक्सटर्नल मार्केट नहीं है तो उसके केस में मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है वेरिएबल कॉस्ट के अब इन्हीं कंसेप्ट बेसिस पर अगर एक प्रॉब्लम को देखें तो बीटा लिमिटेड कंपनी की प्रॉब्लम दी गई है जिसके लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स भी गिवन हैं। वन वन बाय इन रिक्वायरमेंट्स को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट को डिस्कस द ट्रांसफर प्राइस एट विच लिमिटेड शुड ऑफर टू ट्रांसफर स्पेशल इंग्रेडिएंट टू बीटा लिमिटेड डिस्कस करें वो ट्रांसफर प्राइस जिसपे अल्फा लिमिटेड इनग्रीडियंट ए को बीटा लिमिटेड को ट्रांसफर करेगा सो दैट द ग्रुप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग डिसीजन में बी टेकन ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज डिसीजन लिए जा सके इन तीनों सिचुएशंस में तो सिचुएशन ए हमारे पास है कि अल्फा लिमिटेड हैज एन एक्सटर्नल मार्केट फॉर ऑल इट्स प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल इंग्रेडिएंट ए एट सेलिंग प्राइस ऑफ ₹75 अल्फा लिमिटेड के पास एक्सटर्नल मार्केट है इंग्रेडिएंट ए के लिए और उस एक्सटर्नल मार्केट में जो प्राइस है वो है ₹75 रुपीज पर केजी हाउएवर ₹7.5 पर केजी ऑफ द

ट्रांसफर प्राइस ऑफ रुपीज सेवेंटी फाइव पर के जी बाई एल्फा लिमिटेड बीटा लिमिटेड के पास ऑफर है की वो बीस किलो स्पेशल इनग्रीडियंट ए को परचेज कर सकता है और उसकी ट्रांसफर प्राइस होगी सेवेंटी फाइव और यहाँ पे हमने देखा था की सेलिंग प्राइस भी सेवेंटी फाइव रुपीज ही है And a to at 75 पर अगर ये बाहर कस्टमर को भी सेल करती है एल्फा लिमिटेड तब भी एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस सेवेंटी फाइव पर केजी की है एल्फा लिमिटेड बेसिस इज एक्सटर्नल ट्रांसफर प्राइस ऑन कॉस्ट प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट मार्कअप मतलब ये जो सेवेंटी फाइव ट्रांसफर प्राइस सेट की गई है इसमें हंड्रेड परसेंट कॉस्ट होगी जिसके ऊपर पच्चीस परसेंट मार्कअप लगा हुआ है मतलब कॉस्ट के ऊपर मार्कअप है तो कॉस्ट हंड्रेड परसेंट होगी और मार्कअप ट्वेंटी तो टोटल ये ट्रांसफर प्राइस की है टोटल कॉस्ट हैज बीन एस्टिमेटेड है सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का है जो कि हमारे पास ट्रांसफर प्राइसिंग में इस्तेमाल होती है और बाकी 25% हिस्सा फिक्स कॉस्ट का है जो कि यहाँ पर इररेलेवेंट हो जाएगी ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करता है एज मार्जिनल कॉस्ट अब यहां से हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं जिसमें जो पहला पॉइंट है वो हमें गिवन है कि सेलिंग प्राइस एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मार्कअप है जो कि सेवेंटी फाइव रुपीज की है मतलब हंड्रेड परसेंट कॉस्ट है उस हंड्रेड परसेंट कॉस्ट के ऊपर पच्चीस फीसद है जो कि हमारे पास अब देख लेते हैं कि कितना होगा और उसके थ्रू हम कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं और इन दोनों का टोटल मतलब हंड्रेड प्लस ट्वेंटी एक्सटर्नल सेल प्राइस है अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल सेल प्राइस से रिलेटेड एक वर्किंग को क्रिएट कर लेते हैं जिसके थ्रू हम ये जान लेंगे कि कंपनी किस तरह से कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकती है अब यहां पे सेल इन टू हंड्रेड क्योंकि हम इसको हंड्रेड परसेंट पे लेके आएंगे तभी हमें कॉस्ट पता चलेगी तो यहां पे कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे 125 से ताकि हमें कॉस्ट का पता चल जाए तो सेल दी गई है 75 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे 125 से तो ये सिक्सटी रुपीज की कॉस्ट आ जाएगी टोटल अब इस टोटल कॉस्ट में हमने बात की थी कि दो हिस्से हैं जिसमें एक हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का और दूसरा हिस्सा फिक्स कॉस्ट का है तो मतलब इस सिक्सटी को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी क्योंकि वेरिएबल का हिस्सा 75 था और इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 15 की और जब हम इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 60 की जो कि हमारी कॉस्ट के बराबर है मतलब हमने एलोकेशन ठीक की है अब यहाँ पर इन तमाम कॉस्ट को भी हम लिख देंगे तो इस तरह से एक्सटर्नल सेल प्राइस ये आ गई कॉस्ट आ गई जिसमें इतना हिस्सा वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का था और हमने इसका टोटल भी लिख दिया अब इसी तरह से हम क्या करेंगे क्योंकि ट्रांसफर प्राइस के केस में जो रूल हमने पढ़ा था वो ये था कि ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इस रूल को हम यहाँ पर लिख भी देते हैं अब क्योंकि हमने बात की थी कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली वो लॉस कंट्रीब्यूशन होता है जो हमने अगर इंटरनल ट्रांसफर की हो और वो जो कंट्रीब्यूशन है वो लॉस हो जाए क्योंकि एक अपॉर्चूनिटी थी कि एक्सटर्नली सेल कर सकते हैं लेकिन अगर एक्सटर्नली सेल नहीं किया तो वो कंट्रीब्यूशन जो ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल ट्रांसफर करने की वजह से खो दिया है उस कंट्रीब्यूशन को हम कहेंगे कि ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कंट्रीब्यूशन है और यहां पर लॉस्ट कंट्रीब्यूशन का वही सिंपल फार्मूला रहेगा कि सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ पर सेल प्राइस हमें एक्सटर्नल गिवन है जो कि सेवनटी फाइव की है उसमें से लेस कर देंगे रुपीज 45 को तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ जाएगा रुपीज थर्टी पर केजी का अब मज़ीद हमने क्या करना है कि एक तो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया है और मार्जिनल कॉस्ट के लिए कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट बनाने के लिए एक और हमें ऑप्शन दिया गया था एक और सॉरी पॉइंट दिया गया था जिसमें यह कहा गया था क्वेश्चन में भी कि सेवन पॉइंट फाइव पर के जी जो है वो पैकेजिंग की कॉस्ट है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि वेरिएबल कॉस्ट में से रुपीज सेवन पॉइंट फाइव को लेस कर देंगे जो कि पैकेज जिनकी कॉस्ट है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि रुपीज फोर्टी वेरिएबल कॉस्ट है जिसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था और सेवन पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन थे तो जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा रुपीज थर्टी का तो इस तरह से अगर यहाँ पे अब ट्रांसफर प्राइस को कैलकुलेट किया जाए ट्रांसफर तो प्राइस हमारे पास आ जाएगी ₹30 सॉरी ₹37.5 जो कि वेरिएबल कॉस्ट सॉरी मार्जिनल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है और इसमें प्लस कर देंगे ₹30 रुपीज, जो यहां पर कंट्रीब्यूशन लॉस कैलकुलेट किया था तो ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी इस केस में जब एक्सटर्नल डिमांड नहीं है तो आ जाएगी ₹67.5 की ट्रांसफर प्राइस अब यहां तक हमने देखा कि अगर एक्सटर्नल डिमांड ना हो सॉरी एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट करे तो क्या ट्रांसफर प्राइसिंग होगी नेक्स्ट में हमने देखना है कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल मार्केट ना हो या एक्सटर्नल डिमांड ना हो तो फिर किस तरह से ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों सिचुएशन को कैलकुलेट करने के लिए इनको समझने के लिए हम अपनी अगली वीडियो देखेंगे कि किस तरह से इनको डील कर सकते हैं